गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो इन लास्ट लेक्चर वी हैज़ डिस्कस अबाउट SCF। तो हमने उसमें ये सीखा था कि SCF कैसे फाइंड करते हैं और SCF क्या होता है और उसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फाइंड किया जाता है। तो मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया था। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आइए अब हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो हमारा एक्सरसाइज है 3.6। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर है क्वेश्चन फाइंड द SCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो देखिए SCF का जो रूल्स मैंने आपको समझाया था, वही रूल्स को लेकर के इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेके चल रही हूँ। तो मैं इस लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, तो ये देखिए 12, ठीक है। तो 12 है, तो 12 किससे डिविजिबल होगा, यानी कि हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारा लोवेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2। तो हम इसे 2 से डिविजिबल है, तो 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। अगेन ये इवन नंबर आ रहा है, तो ये 2 से डिविजिबल है, तो अगेन यहाँ पे क्या आएगा, 3। अब 3 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो 3 को क्या से डिवाइड करेंगे, 3 से। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 1, ठीक है। तो ये हो गए 12 के फैक्टर्स, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 45, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर 45 लिखते हैं, तो 45 क्या 2 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 3 से स्टार्ट करते हैं। तो 3 से यहाँ पे क्या आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 15 आएगा। अब देखिए उसके बाद फिर अब ये चेक करेंगे, 2 से तो डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखिए ना तो ये 2 से डिवाइड होगा और ना ही 3 से, तो हम 5 को 5 से ही फैक्टराइज करेंगे, तो हमारे पास आ गया 1। जब तक 1 ना आ जाए तब तक ये प्रोसीजर चलते रहेगा। देखिए नेक्स्ट है 75, ठीक है। 75, तो अब देखिए 75 तो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, 3 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 3 से स्टार्ट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 25 आ जाएगा, ठीक है। तो 25 फिर इस पर देखिए, अब 25 आ गया तो ना तो ये 2 से डिविजिबल होगा और ना ही ये 3 से डिविजिबल होगा, तो अब हम क्या करेंगे, तो हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 5, तो हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 5 टाइम्स में कटेगा, तो 5 आया, ठीक है। अब 5 तो 5 से ही डिविजिबल होगा, तो इससे हम 1 आ गया। तो ये जो निकल के आए हैं, ये 75 के फैक्टर्स हैं और ये 45 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो अब हम इसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अब निकालते हैं कॉमन फैक्टर। तो 12 का क्या था, 2 इंटू 3, ठीक है। अब देखिए 45 का क्या आया था हमारे पास, 3 इंटू 5, और 75 का क्या फैक्टर्स निकल के आया था हमारे पास, तो 75 के जो फैक्टर्स निकल के आए थे वो थे 3 इंटू 5 इंटू 5। तो ये देखिए, अब इन सारे फैक्टर्स में कौन कौन से कॉमन है ये हम चेक करते हैं। तो देखिए 3 कॉमन है, तो हमारे तीनों नंबर्स में सिर्फ 3 ही एक ऐसा डिजिट है जो कॉमन आया, तो SCF क्या हो जाएगा, तो SCF इज इक्वल टू हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जे बन गया। तो इसके बाद ये रिमेनिंग क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, 2, व्हाट इज़ द SCF ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। तो अब देखिए कॉन्सिक्यूटिव क्या होता है, तो देखिए कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार नंबर, ठीक है। तो हमारे पास किन्हीं भी दो नंबर को लेना है जो लगातार हो, और उन नंबर्स का SCF फाइंड करना है कि हमारा SCF क्या आता है। तो देखिए यहाँ पे हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ये देखिए, तो यहाँ पे हम किन्हीं भी दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर को लेट करेंगे, तो हम मान लेते हैं कि वो नंबर्स 9 और 10 है, ठीक है। ये हमने खुद से माना है क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है। तो अब देखिए, अब इन दोनों का हम SCF निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हमारे पास फैक्टर क्या है, 3 इंटू 3 और 2 इंटू 5। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं रहता है तो एक ऐसा डिजिट है जो हमेशा हर नंबर में कॉमन होता है, तो वो है 1। यानी 1
लास्ट क्लास फिफ्थ में भी हम आपको पढ़ाए थे कि वन एक ऐसा फैक्टर है जो कि सारे नंबर में कॉमन होता है, तो इनका तो ये दोनों का 9 और 10 का जो SCF निकल के आएगा वो होगा 1। तो यानी कि इससे ये प्रूफ होता है कि किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर का जो SCF निकल के आएगा वो हमेशा ही 1 होगा, यानी कि SCF ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज 1। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है कि हमें क्या किसका SCF निकालना है, तो SCF ऑफ टू कॉन्जिकेटिव इवन नंबर। ठीक है, तो अभी जो हमने SCF निकाला था वो सिर्फ टू कॉन्जिकेटिव नंबर का था, पर यहाँ पे हमें इवन नंबर का निकालना है। ठीक है, तो हम लेट करते हैं कि वो दो कॉन्जिकेटिव इवन नंबर है 4 और 6। ठीक है, तो 4 के बाद 6 ही है जो इवन है। ठीक है, क्योंकि 5 तो ऑड नंबर होता है। तो अब देखिए अब इन दोनों का हम SCF फाइंड करेंगे, तो जब हम इन दोनों का SCF फाइंड करेंगे तो इन दोनों में हम देखेंगे कि 2 एक ऐसा डिजिट है जो कि कॉमन है, जो फैक्टर 2 है वो कॉमन है, तो इसका SCF क्या हो जाएगा 2। तो इससे ये प्रूफ होता है कि SCF ऑफ एनी टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर इज ऑलवेज 2। यानी जो टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर का जो SCF निकलेगा वो हमेशा 2 ही होगा। आप कोई भी इवन नंबर लेके ऐसे सॉल्व करके देख सकते हैं, उसका भी आंसर 2 ही आएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इसी का थर्ड क्वेश्चन नंबर सी है कि टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर का SCF क्या होगा। तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि 7 और 9 टू ऑड नंबर है, कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर है। ठीक है, लगातार है। तो अब देखिए जब इनका हम SCF निकालते हैं तो कुछ भी ऐसा कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। तो जब कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता है तो हम जानते हैं कि हमारे पास SCF 1 होता है। तो यानी अगर SCF फाइंड करने में अगर कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो हम मानते हैं कि 1 एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन होता है, तो इसलिए हम आंसर को 1 लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कम्प्लीट हो गया। अब देखिए तो हमें क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, SCF ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 और 15 वॉज फाउंड एज फॉलोज बाय फैक्टराइजेशन। यानी 4 का फैक्टर दिया हुआ है यहाँ और 15 का फैक्टर दिया हुआ है, पर इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है सो SCF ऑफ 4 और 15 इज़ 0, इज़ द आंसर करेक्ट। तो बोल रहा है कि क्या 4 और 15 का जो SCF आएगा वो 0 आएगा, क्या ये आंसर सही है। तो पहले तो ये आंसर सही है ही नहीं, क्योंकि अगर हम किसी का फैक्टर निकालते हैं और अगर दोनों में कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं होता है तो हम जानते हैं कि उसका SCF क्या हो जाता है 1। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में से सॉल्व किया था कि जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिले तो उसका SCF 1 होता है, तो ये आंसर गलत है बिकॉज SCF इसका क्या हो जाएगा 1। तो आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू।